नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कि ऐसी छाप छोड़ देती हैं जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले किस्से की तरफ। हमारा पहला किस्सा जुड़ा हुआ है बॉक्सिंग डे से। क्यों इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसे मनाया जाता है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज बॉक्सिंग डे है जो कि हर साल 26 दिसंबर को आज ही के दिन मनाया जाता है। इस दिन यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और कुछ अन्य राष्ट्रमंडल देशों में भी बॉक्सिंग डे को मनाया जाता है। बात की जाए आयरलैंड की तो इस दिन सेंट स्टीफन दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में साल 1994 में सद्भावना दिवस का नाम इसे दिया गया। कुछ यूरोपीय देशों विशेष रूप से जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड और नॉर्डिक देशों में 26 दिसंबर को दूसरे क्रिसमस दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। आयरलैंड में बॉक्सिंग डे को सेंट स्टीफन दिवस या रेन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेंट स्टीफन की अगर बात की जाए तो इस दिन सेंट स्टीफन दिवस के दिन घोड़ों और अन्य जानवरों का संरक्षक संत या पेंट्रीन सेंट माना जाता है। इसी कारण बॉक्सिंग डे के दिन हॉर्स रेसिंग और फॉक्स हंटिंग का भी प्रचलन है। बॉक्सिंग डे शब्द की उत्पत्ति के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। इस बारे में कई सिद्धांत बताए जाते हैं लेकिन कोई भी पूर्णतया इसे स्वीकार नहीं करता। सबसे स्वीकृत मत ये है कि बॉक्सिंग डे पर्व की शुरुआत विक्टोरियन काल में हुई थी। इस दौरान धातु के बने डिब्बे चर्चों के बाहर रख दिए जाते थे जिनके माध्यम से सेंट स्टीफन की दावत के नाम पर भेंट इकट्ठी की जाती थी। इंग्लैंड में व्यापारी वर्ग में यह परंपरा वे बड़े दिन के बाद पड़ने वाले पहले कार्य दिवस और पैसों या भेंटों से भरे क्रिसमस डिब्बे एकत्रित करते हैं। ये डिब्बे सारे साल में किए गए अच्छे कामों या प्रतीक होते हैं। इसका उल्लेख सैमुअल पैम्पी की डायरी में दिनांक 19 दिसंबर साल 1683 को किया गया। ये रिवाज इंग्लैंड की एक पुरानी परंपरा से संबंधित। बॉक्सिंग डे, जिसका नाम कुछ अलग है, इसका प्रचलन हुआ था साल 1996 के दौर पे। आयरलैंड की बात की जाए तो यहाँ पर इसे स्टीफन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हंटिंग करना और घोड़ों की रेसलिंग करने का दौर शुरू किया गया। ये जो बॉक्सिंग डे है इसे राष्ट्रमंडल देशों में बड़े विश्वव्यापी तौर तरीके से मनाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा एक दर्दनाक हादसे से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा हादसा जिसकी वजह से कितनों की मौत हो गई। चलिए नजर डालते हैं इस पर। 26 दिसंबर साल 2004 को हिंद महासागर में एक खतरनाक सुनामी की लहर ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में भीषण तबाही मचाई थी। हिंद महासागर में आए 9.1 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद सुनामी की जिस तरह की लहरें उठी थी उनके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। ऐसी लहरें पिछले 40 सालों में कभी नहीं देखी गई। ये लहरें 65 फीट ऊंची थी। अकेले भारत में सुनामी से 12,405 लोग मारे गए थे और 3,874 लोग लापता हो गए थे। करीब 12,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान इस दौरान भारत को उठाना पड़ा था। सबसे ज़्यादा 8,000 या 9,000 मौतें तमिलनाडु में हुई थी। वहीं 3,513 लोग अंडमान निकोबार में मारे गए थे। इसके अलावा पुडुचेरी में 599, केरल में 177 और आंध्र प्रदेश में 107 मौतें हुई थी, जबकि श्रीलंका में 13 और मालदीव में एक भारतीय की मौत हुई थी। इसके अलावा 12 देशों को मिलाकर मरने वालों की तादाद 2,00,000 के ऊपर थी। सबसे ज़्यादा नुकसान इंडोनेशिया में उस वक्त हुआ था। यहाँ वैज्ञानिकों ने कई साल रिसर्च की इस सुनामी के तमाम कारणों को जानने के लिए। इसके बाद 26 मई साल 2017 को जर्नल साइंस में एक रिसर्च पब्लिश हुई। रिसर्च में आया कि 26 दिसंबर साल 2004 को आई इस तबाही का कारण हिमालय पर्वत को बताया गया।
दरअसल सुमात्रा में आए भूकंप का केंद्र हिंद महासागर में 30 किलोमीटर की गहराई में रहा, जहां भारत की टेक्टोनिक प्लेट ऑस्ट्रेलिया की टेक्टोनिक प्लेट के बॉर्डर को छूती है। सैकड़ों सालों से हिमालय और तिब्बती पठार से कटने वाली तलछट गंगा और अन्य नदियों के जरिए हजारों किलोमीटर तक सफर तय कर हिंद महासागर की तली में जाकर जमा हो जाती है। हिंद महासागर की तली में जमा होने वाली ये तलछट प्लेटों के बॉर्डर पर भी इकट्ठा हो जाती है, जिसे सप्त कृष्ण जोन भी कहते हैं, जो तबाही मचाने वाली सुनामी का कारण बनती है। 37,000 से ज़्यादा लोग उस वक्त लापता हो गए थे। उसके बाद था श्रीलंका, जहां 35,000 से ज़्यादा लोग मारे। साल 2004 में आई वो दर्दनाक सुनामी जिसने बहुत लोगों की जान ले ली। उस वक्त भारत समेत कई देशों ने इस सुनामी का संकट झेला। उस वक्त भारत में जो नुकसान हुआ वो 12,000 करोड़ के करीब बताया गया है। वहीं इस दौरान मारे गए लोगों की संख्या 12,405 बताई गई। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा हुआ है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। आज के लिए इनका दिन क्यों खास है, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। 26 दिसंबर साल 1925 का वो दौर जब भारतीय कम्युनिस्ट की स्थापना हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ देश की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है। इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी। साल 1964 में चीन और सोवियत संघ को लेकर हुए वैचारिक मतभेद के कारण कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का गठन किया गया। CPI मूल रूप से सोवियत संघ से प्रेरित पार्टी रही है। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल एस सुधाकर रेड्डी हैं और राज्यसभा में इसके नेता डी राजा है, लोकसभा में इसके एक और राज्यसभा में। साल 1925 का वो दौर जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, इसकी स्थापना कानपुर में की गई थी। उस वक्त ये बेहद ही जरूरी थी। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।